यस स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मैथमेटिकल टूल्स हैं उसको स्टडी कर रहे थे। उसके बाद हम जो बेसिक फिजिक्स की इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने स्टडी किया। आज जो हम अपना जो पार्ट लेके आए हैं, आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट का मेन पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो ये आज हम पार्ट लेके आए हैं, ये और एक एरर का, ये दो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। आज हम डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एक तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखिए, जो भी फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी है जिसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है, वो चाहे आपका लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, टेम्परेचर हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, फोर्स हो, वर्क हो, जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब बात आती है डायमेंशन कैसे निकाला जाता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा कि हम जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं, सबसे पहले हमें उसकी यूनिट का पता होना चाहिए, ठीक है। और जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो स्टूडेंट, एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों ने पिछली यूनिट में पढ़ा था, जो पिछला जो हम कह सकते हैं पीछे हमारा पार्ट आया था, कि एक हमारी आई थी वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, जो कि सात थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एक हमारी इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये जैसे हमारी सात फिजिकल क्वांटिटी आई थी, तो जैसे कि हमने किया था कि मास को, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, और उसके बाद हम बता दें, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। तो देखिए आपका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो डायमेंशनल फार्मूला इस टर्म में मिलेगा, ठीक है। जैसे मास, लेंथ, टाइम, MLT बोलते हैं हम, ठीक है, मास, लेंथ, टाइम में मिलेगा, ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट है तो उसमें A और बढ़ जाएगा, अगर उसमें टेम्परेचर और है तो K बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं जो प्लस वन तक है वो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है बस, ठीक है, फोर या फाइव में, ठीक है, MLTAK इस फॉर्म में ही जा सकते हैं। तो ये फॉर्म कैसे बनती है ये सारी चीज़ हम पढ़ें। जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सी चीज़ से शुरुआत करता हूँ कि एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो एरिया का हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस मीटर का स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर का स्क्वायर। तो देखो मीटर क्या है, मीटर एक लेंथ है, ठीक है, तो इसमें मास नहीं है, ठीक है, लेंथ है, मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर है, और टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, जिसका नहीं होता है उसको हम M0, जैसे मास इसमें है ही नहीं तो M0, L है, लेंथ है वो 2 है लेंथ की पावर, तो L2, और टाइम भी नहीं है तो T0, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया M0L2T0, और सिंपली हम इसको सीधा भी लिख देते हैं L2, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिसकी पावर 0 वो 1 होते हैं,
तो आप इनको हटा सकते हैं, तो आप सीधा भी लिख सकते हैं एल का स्क्वायर L2। ठीक है, तो अपना जो एरिया है उसका डाइमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल जो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो वॉल्यूम की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तो मतलब एम मीटर का क्यूब। ठीक है, तो लेंथ तीनों ही लेंथ हैं तो एल एल एल। ठीक है, तो जो डाइमेंशनल फार्मूला होता है वो इन क्वांटिटीज़ की पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एल 3 बार है तो एल की पावर क्या हो जाएगी, 3। तो वॉल्यूम का डाइमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम है उसकी पावर 3 है तो L की 3 हो गई। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम बात करें कि जैसे कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है इस टाइप का। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू करें, या 2 है 3 है 4 है कोई नंबर है, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो ये इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, इनको डायमेंशनल लेस बोलते हैं। ठीक है, या इसका जीरो डायमेंशन हम बोलेंगे। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। देखिए, मैंने आपको बताया है कि आपको है ना फार्मूला पता, फार्मूला है उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी है, जैसे मैं आपसे बात करूंगी वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे लगा लिया, मीटर जो लेंथ है मतलब जो भी लेंथ होती है उसको एल लिखेंगे, सेकेंड टाइम है तो एल अपॉन टी, ये हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे एम है ही नहीं तो M0, L1 और टी नीचे है, टी की 1 है, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, टी की -1, तो इसका हो जाएगा M0 L1 T-1। ठीक है, तो वेलोसिटी का हमारा ये हो गया। तो अगर आप बताएं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आर 0 इन मास, +1 इन लेंथ और -1 इन टाइम। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशन भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस्ट क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन है उसका बेस बताता है, भाई इसमें मास का क्या, कितना बेस है मास का, लेंथ का कितना है, टाइम का कितना है। ठीक है, और उसको जो MLT की फॉर्म में लिखते हैं जैसे लाइक दिस, तो ये हमारा क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं हम। उसके बाद देखिए डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ सम क्वांटिटी, बारी बारी से देखिए आप। ठीक है, जैसे इस टेबल में मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एरिया जिसका हमने एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो एरिया के आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट क्या है एरिया की, मीटर का स्क्वायर। तो देखो मीटर एक लेंथ है, ठीक है, तो लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी ये होती है MLT, तो ये L लेंथ के लिए आता है, T टाइम के लिए आता है, M मास के लिए आता है। ठीक है, तो इनमें जो चीज़ होती है उसका डायमेंशन लिख देते हैं, और जो नहीं होती है तो उसका हम डायमेंशन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ से डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम नहीं है तो M0 L2 T0। ठीक है, तो इसका डायमेंशन ये हो गया। वॉल्यूम के अंदर मीटर का क्यूब है तो M0 L3, जो जो हमारी यूनिट की पावर होती है ना वही पावर डायमेंशनल फॉर्मूले में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि आप डेंसिटी देखें, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पर मास
वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब। तो यहाँ से मास m1, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, जब नीचे होती है ना पवन में, उसको ऊपर ले जाना होता है, ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा फैक्टर। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1, l ऊपर जाके l के -3, टाइम है नहीं तो t 0, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे इस तरह का हमारा हम कह सकते हैं कि क्वांटिटीज आ जाती हैं कि स्पेसिफिक डेंसिटी, ग्रेविटी, सॉरी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो होती है डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऊपर तो डेंसिटी बॉडी की और नीचे वाटर की डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम अपॉन एल क्यूब और एम अपॉन एल क्यूब, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होते ही आपका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0, क्योंकि कैंसिल हो गया तो न तो m है न l है न t है, तो हम इसकी लिखेंगे नो यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड या वेलोसिटी उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो l, टाइम t है तो नीचे t, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा, एल टी को ऊपर ले जाएंगे तो t-1, और जब इसको फॉर्मूले के रूप में कंप्लीट लिखेंगे तो मास है ही नहीं तो m0 l1 t-1। इसी तरह हम बात करें लीनियर मोमेंटम, मास अपॉन वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी का l t-1 होता है, मास कंसीडर हो गया तो m1 l1 t-1। इसी तरह हम अगर बात करें एक्सीलेशन की, तो एक्सीलेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी एल अपॉन टी, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर हम लेके चलते हैं एक्सीलेशन, ठीक है, तो एक्सीलेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मेनली आपको यूनिट का पता होना चाहिए, तो इसकी होती है मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो ये हो गया मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए बस। अब डायमेंशनल फार्मूला जो है उसको आप लिख दीजिए, जो नहीं है उसको जीरो में ले लेंगे। जैसे एम है, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास यूनिट हो गई एक्सीलेशन की, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें अगर इसकी यूनिट पता है तो डायमेंशनल फार्मूला हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं कि एक्सीलेशन की यूनिट क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब आप इसको लिख सकते हैं एम एल टी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ मीटर, मीटर मतलब लेंथ है एक, तो एल की डायमेंशन 1, जो इनका डायमेंशन होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूले में लिया जाता है, ठीक है। सेकंड के -2 तो सेकंड के -2, और मास है नहीं तो m0। तो ये एक्सीलेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 l1 t-2। तो इस प्रकार से हमारे डायमेंशनल फार्मूले हैं, आप इनको कॉपी में करके देखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फार्मूला, फिर उस पहले तो फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसका फार्मूला, फिर यहाँ पे यूनिट, यूनिट के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फार्मूला। अब हम कुछ एक ऐसा डायमेंशनल फार्मूले लेते हैं जो एम एल टी ए की फॉर्म में हो, जैसे कि सिंपली हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि V1 a-1, क्योंकि V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही नहीं। तो आपको पोटेंशियल को इस प्रकार से चेंज करना है कि वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में आ जाए। तो मैं इसको आपको एक सिंपली करके दिखाता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस होता है
वी अपॉन आई। अब देखो करंट है ये एक फंडामेंटल यूनिट है, तो इसको तो आप लिख दोगे ए, इसको ए से डिनोट करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी, ये हमारी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो हम इसको वी माइनस वन वी वन ए माइनस वन ऐसे नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसको डायमेंस फंडामेंटल की फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है वो होता है डब्लू अपॉन क्यू, ठीक है, और जो वर्क होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो क्यू आप लेंगे, क्यू हम करंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, देखो फोर्स का आ गया यहाँ, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका फोर्स का हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम में, ठीक है। तो मास का पता है एम वन, एक्सीलेशन एल वन टी माइनस टू, एस लेंथ है तो एक लेंथ और जुड़ जाएगी, ठीक है। और क्यू जो हमारा करंट होता है आई, वो क्या होता है क्यू बाई टी, तो क्यू हो जाएगा आई टी, ठीक है। तो अब ये सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले हम लिख सकते हैं कैसे, देखिए कि अब आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा डब्लू अपॉन क्यू अपॉन आई, ठीक है। डब्लू हमारा हो गया था एफ एस, क्यू हो गया था आई टी, और मल्टीप्लाई बाय करंट हमारा आई होता है तो ये आई, ठीक है। फोर्स हमारा हो गया मास एक्सीलेशन, अब जब तक आगे एक्सटेंड करेंगे जब तक कि वो फॉर एम एल टी ए की फॉर्म में नहीं आ जाता, आई स्क्वेयर टी, ठीक है। अब ये सारे हम इनको एडजस्ट करेंगे, देखो एम ए मास, मास है एम वन, एक्सेलेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, तो ये एक होगा एल वन टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट है वो एक लेंथ है तो एल वन, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे करंट का ए स्क्वेयर मतलब ए की टू, और टाइम की क्या हो गया टी वन, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, एम वन एल वन और वन दोनों जब बेस सेम होती हैं तो पावर जुड़ जाती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो एल वन और एल वन एल टू, ठीक है। एल टू हो गया टी माइनस टू, एक टी जब भी ऊपर जाएगा माइनस वन तो टी माइनस थ्री, और ए जब ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू, ठीक है। तो फाइनली आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो ये देखिए एम एल टी ए की फॉर्म में था, आप लोगों ने यहाँ देखा एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ठीक है। इसी तरह कैपेसिटेंस आप निकालते हो, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज होता है करंट की फॉर्म में चेंज कर लो, चार्ज हो जाएगा हमारा आई टी, आई करंट है तो ए टाइम है वो टी ले लिया, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने ऊपर से लिया था वैसे ही कर लेंगे। तो इसको रीअरेंज करोगे तो एम माइनस वन एल माइनस टू टी की फोर ए की टू, ठीक है। तो इस प्रकार से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में सबसे पहले आपको उसका उसकी यूनिट का पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या होती है, फिर उसको देखो कि वो यूनिट एम एल टी ए के की फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। अगर उस फॉर्म में नहीं है तो आप दूसरे फॉर्मूले यूज करके उसको उस फॉर्म में लेके आए, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी ए के इन्हीं की फॉर्म में ही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप उनको उस फॉर्म में लेके आए, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि इसमें कुछ है ए के बाद, जैसे के की फॉर्म में ये देखो मोल की फॉर्म में हो तो मोल इन्वर्स आ गया एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस वन, ये देखो क्योंकि जो हमारी सात फंडामेंटल यूनिट होते हैं केवल उन्हीं की फॉर्म में ही हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब ये एम एल टी ए और मोल इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ के की फॉर्म भी आ जाती है। फंडामेंटल के अलावा कोई भी
ड्राइव्ड यूनिट है, तो ड्राइव्ड यूनिट को आप इस प्रकार से लिखें कि वो फंडामेंटल के फॉर्म में आ जाए, MLTA, ठीक है, उस फॉर्म में हमारी रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारे डाइमेंशनल फॉर्मूले थे, आप इनको करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।